नमस्कार दोस्तों, यूआर यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहें तो हिंदी में विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल। तो अब हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत के दो स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, जिसमें से है पहला है गुजरात का घोलावीरा, जो कि एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। दूसरा है रामप्पा मंदिर, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। तो अब ये बात तो है कि अब दो नए स्थल को इस सूची में, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है ये सुर्खियों में तो होगा ही होगा। तो इसी में हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को है क्या? यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी ये यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह, माने कि यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप UNSDG का भी एक सदस्य है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। मुख्यालय तो इसका फ्रांस में स्थित है, लेकिन ये 50 देशों में इसकी सब ब्रांचेज है। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में। कार्य क्या है, इसका नाम में भी जाहिर किया हुआ है कि कार्य इसका शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित न्याय कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। यूनेस्को के कुछ उद्देश्य हैं, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। दूसरा है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। तीसरा है उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। चौथा है सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। पांचवा है संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान को, ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका, लैंगिक समानता पर भी ध्यान केंद्रित करना। तो अब इनके साथ हम आगे चर्चा करते हैं कि यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में मुख्य रूप से कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है सांस्कृतिक धरोहर स्थल, जिसमें इमारतें या कलाकृति या अलग अलग से मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करें तो प्राकृतिक धरोहर स्थल, ऐसे स्थल जो एक विशेष चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या किसी भी जो लुप्त प्राय जानवर है, पक्षी है, उनको उनके आवास या उनको पुनरुत्थान के लिए जो एक तरह से प्राकृतिक रूप से कार्य कर रहा है वो स्थल इसमें आता है। और तीसरी चीज़ है मिश्रित धरोहर स्थल, ये कौन से धरोहर स्थल होते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इसके चयन मानदंड के बारे में। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, पर कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बोलने की। सन 2004 के अंत तक सांस्कृतिक धरोहर हेतु 6 मानदंड थे और प्राकृतिक हेतु 4 मानदंड थे। सन 2005 में बदल के इसको कुल मिलाकर ही 10 मानदंड कर दिए, और एक शर्त रहती है कि अगर किसी भी नामांकित स्थल को इस विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होना है तो
इसका न्यूनतम एक मानदंड तो पूरा करना ही चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से मानदंड हैं, किस किस तरीके से मानदंड हैं। सांस्कृतिक मानदंड में पहला तो होता है मानव की रचनात्मक प्रतिभा। कहने का मतलब कोई मूर्तिकारी कर रहा है, कोई अच्छी अच्छी इमारतें बना रहे हैं, तो उसकी उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करना। जैसे ताजमहल भी एक उत्कृष्ट कृति है, और कहें तो कोणार्क मंदिर भी एक बहुत उत्कृष्ट कृति है। वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, टाउन प्लानिंग में हाल ही में अपने हड़प्पा कालीन सभ्यता का घोला भी एरिया टाउन प्लानिंग में, क्योंकि उस समय के जो घर वगैरह बनते थे उनको, या जो भी पूरा पूरे सामूहिक रूप से जो घर वगैरह बनते थे वो बिल्कुल प्लान के अनुसार बनते थे, और बहुत अच्छे तरीके से नैनों की व्यवस्था वगैरह सब कुछ थी, तो इसलिए एक तरह से आकर्षण केंद्र। जैसा कि आपको पता है कि ये यूनेस्को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहता है, तो ऐसे स्थानों को चूज करेगा। एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता जो जीवित है या गायब हो गई, उस अनोखी या कम साधारण शास्त्र को संभालने के लिए। अब जीवित जीवित भी है, जैसे कहें तो ये अपने कई सारे महल वगैरह है तो सही, लेकिन अपने इमारत और सभ्यता के कारण ही चल रहे हैं अभी तक। और दूसरी हम बात करते हैं, एक पारंपरिक मानव बस्ती भूमि उपयोग, समुद्र उपयोग या एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। एक संस्कृति संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, या पर्यावरण के साथ मानव संपर्क, खासकर जब यह अपरिवर्तन परिवर्तन के प्रभाव से असुरक्षित हो। जैसे आगे बात करते हैं, घटनाओं या जीवित परंपराओं, विचारों या विश्वासों, उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के कलात्मक साहित्य कार्यों के साथ प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से जुड़ाव। एक प्रकार की इमारत वास्तुशिल्प या तकनीकी कलाओं का समूह या परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। प्राकृतिक मानदंड में अप्राकृतिक उत्कृष्ट प्राकृतिक घटनाएं, जैसे उसमें अलग अलग तरीके से झरने बह रहे हैं, कुछ भी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे अपने कौन से फूलों की घाटी। फूलों की घाटी में अलग अलग प्रकार के फूल उगते हैं और उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता देखने लायक है। और दूसरा पश्चिम घाट में भी प्राकृतिक सौंदर्यता देखने लायक है। और दूसरी शर्त होती है इसमें, कहें तो क्या इसमें प्रमुख चरण पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण, जिसमें जीवन का रिकॉर्ड, भू आकृतियों के विकास में चल रही महत्वपूर्ण भू वैज्ञानिक प्रक्रिया या महत्वपूर्ण भू आकृतिक या भौतिक विशेषताओं के लिए। आगे स्थलीय ताजे पानी, तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, पौधे तथा जानवरों के समुदायों के उत्थान। अब जानवरों के समुदाय के उत्थान, जैसे कि आपको पता है केवला देव के अंदर विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि लुप्त प्राय हो गए होने की कगार पे, उनके लिए एक तरह से पुनः उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। और आगे पढ़े तो समुदायों के, और दूसरी बात करें, बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है जो कि टाइगर के रिजर्व के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विकास में चल रहे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण के लिए। जैविक विविधता के यथावत संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक प्राकृतिक आवास शामिल करने के लिए, जिसमें विज्ञान या संरक्षण के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की खतरे वाली प्रजातियां शामिल हों। अब आप देख रहे हो इसमें खतरे वाले कौन कौन सी है, एक तो टाइगर है, गैंडा है, और अपना ये विदेशी पक्षी आते केवला देव में वो है। अब हम बात करेंगे, अब सबके बारे में हम बात करेंगे भारत के सांस्कृतिक स्थल।
भारत के सांस्कृतिक स्थल तो 32 हैं और प्राकृतिक स्थल 7 हैं और जो मिश्रित स्थल है वो 1 है। अब हमने पढ़ा कि प्राकृतिक स्थल क्या होते हैं और सांस्कृतिक स्थल क्या होते हैं, तो अब हम इनको देख भी लेते हैं कि भारत में कौन कौन से सांस्कृतिक स्थल हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक स्थल के बारे में। तो पहला आता है आगरा का किला। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये आगरा का किला 19वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया गया। इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 1983 में। एक मिनट, 1983 में इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो कि इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जागीर महल भी है और भी अन्य महल हैं। दूसरा आता है 1983 में उसका निर्माण यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, किसको? अजंता की गुफाओं को। अजंता की गुफा विशेष रूप से मानव द्वारा निर्मित या उत्कृष्ट श्रेणी जो भी उसका जीता जाता उदाहरण है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरों को, चट्टानों को काट के इसमें गुफा का रूप दिया गया है। और दूसरी बात, इसमें ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और अजंता में कुल 29 चट्टानों को काट के, 29 चट्टानों को काट के गुफाओं का निर्माण किया गया था। और ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ये जो भी गुफा है ना वो। अब हम आगे बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल भी 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर, यूपी में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये एक संगमरमर से निर्मित महल है जिसको किसने बनाया था? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और अपनी जो पसंद, जिन पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनकी याद में बनाया गया था ये महल। और आगे हम चर्चा करते हैं एलोरा गुफा है। ये भी अजंता की तरह ये भी पहाड़ को काट के बनाए हुए गुफाएं हैं। और हाँ, एक खास बात और, अजंता गुफाएं विशेष रूप से किस चीज़ के लिए? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकार के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं अजंता गुफा में। और अब हम बात कर रहे हैं एलोरा गुफा। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट कौन सी जगह पे है? ये 2 किलोमीटर आसपास ही है औरंगाबाद में। और यह जो है 34 बोधमठ और मंदिर है इसके अंतर्गत। और वेसांत की खाड़ी चट्टान की भित्ति में 7 खोदकर निकाले गए थे अपनी 600 से और 1000 ईस्वी के बीच में। स्मारकों के निरंतर श्रृंखला के साथ एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारत की सभ्यता को पुनर्जीवित करते हैं। ये जो आपको ये खम्बा दिख रहा है ये 100 फीट का है। अब आप अनुमान लगाओ कि ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से काट के नीचे आने में इन्होंने बनाया है किस तरीके से, इनकी कलाकृति होगी किस तरीके से, इनका हुनर होगा जो 100 फीट लंबी ये जो क्या बोलते हैं इसको, खंबे को बनाया है। तो आगे हम चर्चा करेंगे सूर्य मंदिर कोणार्क। ये एक कोणार्क मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान का मंदिर है। सूर्य भगवान के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है, साथ ही घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए भी दर्शाया गया। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। और कहा
खास बात इसमें है कि यूनेस्को द्वारा इसको 1984 में 1984 में कौन सी सूची में, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है ये सूर्य की रोशनी को एक शाम के टाइम में इसके सूर्य की रोशनी सीधी सीधी दिखाई देती है और इस चमत्कारी मानते हैं वैज्ञानिक भी, इससे हैरानी है एक तरीके से। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, पर आगे दूसरी चीज़ चर्चा करते हैं। अब आता है महाबलीपुरम में स्मारक समूह, इसको भी विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में 1984 1984 में लिया गया था। ये पल्लव राजा द्वारा इस समूह की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं से 8वीं शताब्दी में की थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है, जिसमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या है और गंगा का अवतरण और सौर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। इन स्मारकों में 5 रथ, 1 आश्रम मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। इसी कारण इस शहर को सप्त पेगोड़ा के रूप में जाना जाता है। अब गोवा के चर्च और मठ, पुर्तगालियों की पूर्व राजधानी और गोवा के चर्च और मठ के बारे में बात करें तो विशेष रूप से बॉम जीसस चर्च के नाम से जाना जाता है, बॉम जीसस चर्च। सेंट फ्रांसिस जेवियर का एक मकबरा है जो एशिया के ईसाई धर्म प्रचारक को दिखाता है, दर्शाता है। ये स्मारक एशिया के उन देशों में मैनुएलाइन मैनरिस और बरोक शैलियों को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली है, जहाँ मिशन स्थापित किए गए। और इसकी खास बात ये है जो ये जो सेंट फ्रांसिस जेवियर है, इनकी जो कब्र है दफनाए गए है जहाँ पे, उनको 450 साल होने के बावजूद भी इनकी जो बॉडी है वो सड़ी नहीं है, इसलिए इनको हर 10 साल में निकाल के एक बार देखा जाता है दर्शन के लिए, और हर बार इनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए ये खास चर्चित है। तो आगे हम बात करते हैं हम्पी। हम्पी क्या है? मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी, पहले पंपा था और नाम से जाना जाता था, अब केवल खंडहरों के रूप में अवशेष हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है किसी समय यहाँ समृद्धशाली कितनी एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। और दूसरी बात, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 1986, और जो गोवा का चर्च और मठ है इसको भी 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब आते हैं फतेहपुर सीकरी में, इसको भी यूनेस्को की सूची में 1986 में शामिल किया गया था, और ये है उत्तर प्रदेश में, और इसका जगह कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एक नगर है जो मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के ने सन 1571 में बताया था, जो आगरा जिला का एक नगरपालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में यह यहाँ के मुगल साम्राज्य हैं में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। ये राजधानी भी रही है मुगल साम्राज्य की, और फिर बाद में इसे खाली कर दिया गया, और इसका कारण इसको पानी की कमी बताया जाता है। आगे खजुराहो स्मारक, इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था 1986 में, और ये कायम मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेला राजवंश, चंदेल या चंदेला राजवंश के शासन में काल में निर्मित किए गए थे। यह राजवंश 950 तथा 1050 के मध्य चरमोत्कर्ष पर रहा। सन 950 या 1050 के मध्य चरमोत्कर्ष पर रहा था।
अभी केवल 20 मंदिर शेष हैं जो कि 3 अलग अलग समूह में आते हैं। 2 अलग अलग धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच में एक आदर्श संतुलन होता है। इसमें इसमें दो चीज़ है, इसमें वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों का मिश्रण मिलता है, इसलिए ये एक तरह से बहुत अच्छा संतुलन बनाते हैं, आदर्श संतुलन बनाते हैं। कंदरिया के मंदिर को मूर्तियों के प्राचुर्य से सजाया गया है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं और भारतीय कला के कृतियों के में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और ये एमपी में मौजूद है। एलिफेंटा की गुफा है, एक मिनट, खजुराक स्मारक समूह को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1986 में। और अब आते हैं हम एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास है। शिव महादेव को समर्पित ये रॉक कट मंदिर मूर्तिकला सामग्री में समृद्ध है। यह दीप भगवान शिव का गौरवशाली निवास स्थान है और एक अलग रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले 3 प्रमुखों के साथ महेशा मूर्ति की अपनी विशाल छवि के लिए मनाया जाता है। यह प्रतिमा महान भगवान शिव की है और 18 फुट की त्रिगुणात्मक प्रतिमा है। यूनेस्को द्वारा, ये तो आपको बता चुका हूँ, विश्व विरासत स्थल की दर्जा दिया। आगे आते हैं पट्टदकल स्मारक परिसर, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन से 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी चालुक्य के राजवंश द्वारा बनवाए गए थे, और इसका जो शैली निर्मित है ये बेसर शैली में है, जैसे कि आप। और इनका यूनेस्को की सूची में 1987 में शामिल किया गया था। यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में 9 शिव मंदिर हैं तथा 1 जैन मंदिर है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनमें से एक मंदिर विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि बेसर शैली मंदिर निर्माण की कला में की एक महत्वपूर्ण कला है, जिसमें हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं कुछ, और ये बेसर शैली अलग होती है। तो अब हम आगे बात करते हैं। मान चोल मंदिर, चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण राज्य में, और ये क्या 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। जो ये जो भा ये भारत के दक्षिण में चोल शासन के दौरान बनाए गए थे, चोल कला के मान संरक्षक थे। ये जो चोल वंश था वो कला का मान संरक्षक था। उनके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर और उत्तम कांस्य चिन्ह बनाए गए थे। महादेव, इस बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर के स्थल घोषित किया गया था। अब सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1989 में, नहीं 1989, हाँ 1989 में शामिल किया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये भोपाल से, कुछ दूरी पर पूर्वोत्तर में स्थित है तथा बिसनगर और विदिशा से भी कुछ दूरी पर स्थित है, और मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ बौद्ध स्मारक है। इन स्तूपों को बनाने की शुरुआत मूल रूप से सम्राट अशोक ने की थी। इसके बाद कई शासकों ने इसे मूल रूप से के अनुसार बनाने का प्रयास किया।
स्तूप को 91 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। यूनेस्को ने साल, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कब बनाया गया था? 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप सांस्कृतिक महत्व का है, क्योंकि यह भारत उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। इसके अंतर्गत उद्यान भी डाले हुए हैं। इसने ताजमहल के निर्माण में कई प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रेरित किया गया है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली का पहला राजवंशी मकबरा है, जो 80 साल बाद ताजमहल के बाद अपनी स्थापत्य शैली के साथ मुगल वास्तुकला का पर्याय बन गया था। हुमायूं का मकबरा 27.04 हेक्टेयर के परिसर में स्थित है। और इसको, हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को की सूची में 1993 1993 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ये बनाए के भारत के दक्षिण दिल्ली शहर, ये दिल्ली में स्थित है और ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत, ऊंची मीनार है। और ऊंचाई इसकी है 72 मीटर, 72.5 मीटर, मतलब कहें तो 237.86 फीट। और ये ऊपर जाके शिखर पर जाके 2.75 मीटर और 9.2 फीट हो जाता है। इसमें थ्री सेवेंटी नाइन सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने आहातों में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने भी मिलते हैं इसमें, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन में 1192 के हैं। और यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1993 में शामिल किया गया था। इसके बारे में एक बात और कहते हैं कि ये थोड़ा सा झुका हुआ भी है। भारत की पर्वीय रेलवे, पर्वतीय रेल, इसको 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कई रेलवे भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे व्यवस्था की गई है। सामूहिक रूप से ये भारत की पर्वतीय रेलवे के रूप में जाना जाता है। इन रेलों में से 4 अभी भी चल रही है और इन्हें यूनेस्को विश्व घरों की, विश्व विरासत घरोहर स्थल के में शामिल किया गया। भारत की पर्वतीय रेलवे 3 रेलवे विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल है। कौन सा? दार्जिलिंग, और तीसरा क्या? नीलगिरी पर्वत रेलवे, और चौथा शिमला रेलवे, तीसरा शिमला रेलवे। माँ बोधि मंदिर परिसर, ये कहाँ पे है? बिहार के बोधगया में है। और इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2002 में। इस परिसर में पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा और 3री शताब्दी पूर्व में कराया गया था, तथा वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित माना जाता है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से ईंटों से बना है। इतने बड़े मंदिर, हाँ। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। भीमबेटका का शैलाश्रय, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है और रायसेन जिले के में स्थित एक पौराणिक आवासीय पुरातत्व है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रय, मतलब शैल चित्र, जो पत्थरों पे जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसको शैल चित्र बोलते हैं। और शैलाश्रय और जो गुफा पत्थरों के जो आश्रय होते हैं, पत्थरों के जो घर होते हैं, उसको शैलाश्रय बोलते हैं। इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है।
और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भोपाल के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर दोबारा बोलता हूँ रुको वाकणकर द्वारा की गई थी। इन आवासों की खोज 1975 में की गई थी। किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप रातापानी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। यहाँ प्राप्त 400 से अधिक शैलाश्रय में 400 शैलाश्रय चित्र द्वारा सज्जित है। अब आगे बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। इसको एक मिनट इसको 2004 के अंदर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारत में स्थित है। इसे इस सूची में 2004 में सम्मिलित किया गया है और ये बृहत स्तर पर उत्खनन पुरातात्विक ऐतिहासिक एवं जीवित सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति की बहुतायत है जो कि एक प्रभावशाली भूखंड में सिमटी हुई है। इस उद्यान की प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। इन अवशेषों में 8 से 14वीं शताब्दी के बीच महल धार्मिक इमारतें और आवासीय परिसर और कृषि आदि अवसंरचना भी शामिल है। कालिका माता मंदिर पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना गया जाता है जहाँ पूरे वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विक्टोरिया जिसको पहला नाम था विक्टोरिया टर्मिनस और इसको 2004 के अंतर्गत सन 2004 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया कनेक्ट मतलब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। भारत के विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला का विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला के साथ मिलकर हुआ है और यह इमारत ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवन द्वारा डिजाइन की गई है। विक्टोरियन गोथिक शैली के में बनी यह इमारत बॉम्बे की पहचान है। मध्ययुगीन इतालवी मॉडलों पर आधारित यह उच्च विक्टोरियन गोथिक डिजाइन के अनुसार यह टर्मिनल का निर्माण कार्य वर्ष 1878 में शुरू किया गया जो 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इस वास्तुकला के तहत बनी इमारतों में के गुंबद बुर्ज नुकीले मेहराब आदि पारंपरिक भारतीय महल वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। अब आता है दिल्ली का लाल किला। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण वर्ष 1648 में कराया गया था। इसका जो निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर पे से हुआ है इसलिए इसका नाम भी लाल बलुआ पत्थर के विशाल द्वारों के नाम पर ही रख दिया। संपूर्ण लाल किला परिसर में इस्लाम सासुरी द्वारा वर्ष 1546 में निर्मित सलीमगढ़ किला भी शामिल है। लाल किला मुगल वास्तुकला वास्तुशिल्प नवाचार और शिल्प कौशल का पूर्ण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है और 2007 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
जंतर मंतर। अब आपने बात की थी इसमें सांस्कृतिक रूप में एक चीज थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इमारत को शामिल किया गया, तो ये एक वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण इमारत यही है। यह जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था, और ये खगोलीय वेधशाला है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में टोटल, ये थोड़ा सा मेरे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये या तो 14 है 15 है, 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय आप मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक है। और जंतर मंतर जयपुर में स्थित है जो कि राजस्थान में है, और इसको विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल में 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जयपुर के जंतर मंतर के बारे में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है। इन किलों में आमेर, जैसलमेर, गागरौन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर ये 6 किले शामिल है। इस भूमि पर किलों की शानदार उपस्थिति 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजपूत शासन की जीवन शैली प्रकृति को दर्शाती है। ये किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों, व्यापारिक केंद्रों, मंदिरों के चारों तरफ है, जहाँ कला और संस्कृति के विभिन्न रूप का विकास होता है। अब हम बात करते हैं दुर्ग, दुर्ग और किले होते क्या है। भैया देखो, दुर्ग और किले ऐसी जगह होती है जहाँ पे अपन जैसे कोई शत्रु सेना से बचने के लिए कोई राजा अपनी पूरी जो भी अंदर के एरिया में रहने वाले सैनिक और प्रजा रहते थे, जनता आवाज करते थे, उन सब के रहने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक जो खान पीन और उनके रहने की व्यवस्था हो सके, उस इस तरीके की बिल्डिंगों को दुर्ग कहा जाता है। तो जैसे कहें तो अपन अलग अलग तरीके के दुर्ग होते हैं, लेकिन अपने इसमें मेनली 12 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम कभी और दिन चर्चा करेंगे। दुर्ग को जैसे जल दुर्ग, धानवन दुर्ग इत्यादि अलग अलग तरह के दुर्ग होते हैं। तो मेनली बात यह कि दुर्ग का को हम किला भी बोलते हैं। किला का मेन काम ये होता है कि जब कोई विदेशी शत्रु आक्रमण करते थे तो ऐसे वो बंद कर लिया जाता था चारों तरफ से, जिससे शत्रु आक्रमण भी नहीं कर पाए और अंदर वाले को लंबे समय मतलब दीर्घ समय के लिए उनकी खाना पूर्ति वगैरह ये सब होते रहे, उनको कोई परेशानी नहीं आए, सैनिकों की खाना पूर्ति वगैरह और रहन सहन सब हो सके। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग को 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब इसी के और आगे की बात देखते हैं, यही बात है। और ये जो आपको एक दुर्ग का उदाहरण दिख रहा है, इसका नाम है कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ का दिखा रहा है, ये चीन की दीवार के बाद में सबसे सबसे लंबी दीवार है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं रानी की बाव। ये गुजरात में पाटन जगह है, पाटन जगह में बना एक तरह का स्ट्रक्चर है जो बावड़ी है। ये गुजरात में पाटन जिले में स्थित है, और इसको 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। इस बावड़ी का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने वर्ष 1050 में सरस्वती नदी के किनारे पे किया गया था क्या था करवाया था। अब सीढ़ीदार कुएं और भारतीय उप महाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एक संग्रहण प्रणालियों का विशेष तरीका रहे हैं। अच्छा, और इन्हें 3000 ईस्वी पूर्व बनाया जाता रहा है, ईस्वी पूर्व से बनाया जाता रहा है। इस परिसर में तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों के अत्यंत सुंदर कला क्षमता की प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हुए इसमें मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया है। जैसे हमने पहली मूवी देखी होगी, पहली मूवी में भी एक कोने से तालाब बनाया हुआ था, तालाब में सीढ़ी से उतर के जाने का था ना, उसी तरीके से इसमें भी है। पर अब तो खैर सूखा हुआ है, पर ये पानी निकालने के लिए बावड़ी है, नालंदा विश्वविद्यालय। जैसा कि आपको विदित होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का एक विश्व प्रसिद्ध या प्रसिद्ध महाविद्यालय था, जिसमें देश विदेश से काफ़ी लोग पढ़ने आते थे। अब इसमें क्या कहा था, ऐसी आप अपने सांस्कृतिक के जो चयन मापदंड पढ़े थे उसमें क्या चीज पढ़ी थी कि ऐसी ऐसी इमारत या ऐसी भी कोई बिल्डिंग जो जीवित हो या अजीवित हो, पर वो किसी मानदंड या किसी भी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रही हो, उसको इस यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा सकता है। तो वो बात ये खरी उतर रही है। तो इसमें क्या है, ये नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, नालंदा महाविहार को, और इसको यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के एक मठ और शैक्षणिक संस्थान के अवशेष इसमें मिलते हैं, शैक्षणिक अवशेष है। और इस महाविहार के पुरातत्व में स्तूप, मंदिर, विहार, आवासीय शैक्षणिक भवन के साथ में स्तूप, पत्थर, धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। अब ये तीसरी चीज है, ली कार्बूजियर का वास्तु कलाकार है चंडीगढ़। ये एक ली कार्बूजियर एक क्या बोलते हैं, एक कलाकार थे जिनके वास्तु कलाकार्य को खूब फेमस हुए हैं। ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कार्य ने एक असाधारण और अग्रणी तरीके से अतीत को पीछे छोड़ने वाले एक नई वास्तुकला भाषा का आविष्कार करके वास्तुकला में क्रांति ला दी थी। ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कृतियाँ आधुनिक वास्तुकला के तीन प्रमुख रुझानों के जन्म को अंकित करती है। कौन से शुद्धतावाद, कूर्तावाद और मूर्तिकला वास्तुशैली। अब इस ये चंडीगढ़ में स्थित है, इनका जो स्मारक रूप बना रखा है वो चंडीगढ़ में स्थित है, और ये इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2016 में। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वास्तुकला के जन्मदाता प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वास्तुकला घरोहर 7 देशों में फैले हुए हैं और 17 स्थल शामिल हैं जिसमें आधुनिक स्थापत्य शैली की अभिव्यक्ति को देखा जाता है। इस स्थापत्य कला द्वारा भीड़ भरे शहरों में लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इमारतों में अपार्टमेंट मॉड्यूलर डिजाइन की शुरुआत की गई थी। और ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में कॉम्प्लेक्स के अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी, चंडीगढ़ आर्किटेक्चर कॉलेज का भी डिजाइन तैयार किया। अब बात करते हैं कि अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर। अब अहमदाबाद तो एक ऐसा शहर है जिसमें अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग संस्कृति का समावेश है। तो इस पूरे शहर को ही यूनेस्को द्वारा 2017 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर दिया। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो भी 2017 में 8 जुलाई को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और कौन से 41वें सत्र में, और ये पहला ऐसा शहर है भारत का जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसमें कई जगह है जैसे लाल दरवाजा और भी बहुत सारी जगह है, जामा मस्जिद वगैरह, ये अलग अलग चीज़ें अकेले शहर में देखने को मिलती है। और इसमें
हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समावेश मिलता है, इसलिए ये एक तरह से प्रसिद्ध हो जाता है। और ये जो यूनेस्को में शामिल होने वाला विश्व का तीसरा शहर है। अब इसी के बारे में बात करते हैं, विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स मुंबई। अब इसको यूनेस्को के जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2018 में। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र मुंबई में। इस साइट में 19वीं सदी का विक्टोरियन संरचनाओं का संग्रह है, अर्थात विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण भवन है। और एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन शामिल है। ये दोनों शैलियाँ भारतीय वास्तु तत्वों से मेल खाते हैं। और उदाहरण के लिए विक्टोरियन नियो गोथिक शैलियों में डिजाइन की गई इमारतें बालकनियां बरामदों से संपन्न है। इसी प्रकार इंडो डेको का उपयोग आर्ट डेको में भारतीय तत्वों को जोड़ने के बाद उभरी शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका जो यूनेस्को में शामिल किया गया था कब, 2018 में। अब आते हैं भारत का दूसरा शहर जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, वो शहर है जयपुर शहर, राजस्थान। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं रहने वाला तो जयपुर का हूँ और नौकरी करता हूँ अहमदाबाद, और ये दोनों ही शहर यूनेस्को की सूची में शामिल है। और इस राजस्थान को का ये दूसरा शहर है, इसको शामिल किया गया था 2019 में। जयपुर नगर चार दीवारी वाला नगरों की स्थापना वर्ष 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित स्टूडियो योजना के अनुसार बताया गया था। और खास बात तो इसमें ये है, जो इसमें जो पुरानी इमारतें वगैरह जो होती थी ना, वो पूरे पिंक रूप में होती थी। या तो इसका मेन कारण इसका जो पत्थर भी हो सकता है, और दूसरी बात इनकी जो दीवारें हैं ना, आज भी हम बात करें तो आमेर वगैरह इनकी जो दुकानें हैं, आमेर और अजमेरी गेट वगैरह इनमें जाके देखें तो इनको पूरी दुकानों को भी पिंक कलर में ही रंगा गया है। मतलब मेन तो शहर में जो दुकानें वगैरह और घूमने की जगह है उनको लगभग गुलाबी रंग में रंगा गया हुआ है, इसलिए इसको गुलाबी शहर का भी नाम दिया गया है। नगर में सड़कों और उपनिवेश के काल से व्यवसाय की सुविधा है, और ये सड़कें बड़े चौराहे जिन्हें चौपड़ कहा जाता है पर एक दूसरे से मिलती है। नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी देशों के तत्वों का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरी बात, जयपुर को शामिल कब किया गया था, 2019 को में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं हाल ही में यूनेस्को में की सूची में शामिल किया गया मंदिर के बारे में, जो कि कौन सा मंदिर है, रामप्पा मंदिर, कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। और इनको कब कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जुलाई 2021 में। ये शिव जी का मंदिर है। इनकी खास बात क्या है कि एक तो ये 100 खंभों पे स्थित मंदिर है, इसके 100 खंभों के ऊपर मंदिर बना है, इसमें 100 खंभे हैं। और दूसरा ये क्या है, 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। इसका नाम इसके शिल्पकार जिसका नाम भी रामप्पा पर, हाँ तो उसके नाम पर रखा गया है तो रामप्पा ही होगा शायद। और सरकार ने 2019 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तौर पे मान्यता देने के लिए प्रस्ताव दिया था, और 2021 में इसको मिल भी गया। और 40 साल का समय लगा है इसके निर्माण में, 40 साल का समय लगा है। अब ये देखो, ये न्यूज में इस यूनेस्को में काकतीय मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसको। और आगे हम बात करते हैं हाल ही में शामिल विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल दूसरे घरों के बारे दूसरे स्थल के बारे में, कौन सा स्थल है, धोलावीरा। धोलावीरा क्या है, एक हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है
इसको 2021 जुलाई 2021 में 44वें सत्र, इन दोनों को 44 यूनेस्को के 44वें सत्र में शामिल किया गया। हाँ, धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की जानकारी। अच्छा, ये तो, और इसको 44वें सत्र के दौरान धोलावीरा और रामप्पा मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया। ये मैंने थोड़ा सा अखबार से ही ले लिया। और आगे हम बात करें, धोलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। और आगे हम पढ़ते हैं, अब प्राकृतिक स्थल के बारे में बात करते हैं। अब प्राकृतिक स्थल क्या होते हैं? ये एक तो अपनी जो प्रकृति में सुंदरता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, जो लुप्त प्राय जीव जंतु पशु पक्षी या फिर कोई भी पेड़ पौधे जो होते हैं ना, कहने से मतलब वनस्पति, वनस्पति का संरक्षण के लिए एक संरक्षण करते हैं। तो आगे बात करते हैं, पहला प्राकृतिक स्थल कौन सा? पहला प्राकृतिक स्थल है मानस वन्य जीव अभयारण्य। इस कौन से सन में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? यूनेस्को की सूची में 1985 में इसको शामिल किया गया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम जिले में स्थित है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, और यह मानस टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। मानस नदी के साथ फैला हुआ है, और फॉरेस्ट हिल, जालोड़ घास के मैदान इस स्थल के सुंदरता और शांत वातावरण का कारण है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की एक श्रृंखला है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान राज्य में स्थित है और भरतपुर जिले में स्थित है। और ये राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है, जिसका उपयोग 1970 के अंत तक बतख शूटिंग रिजर्व के रूप में किया जाता रहा है। हालांकि जल्द ही इसमें शिकार को प्रतिबंध कर दिया गया है, और वर्ष 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान 375 पशु प्रजाति तथा विभिन्न अन्य प्रकार के जीवों का निवास स्थल है। यह पलेरेटिक प्रवासी जल पक्षी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय साइबेरियन क्रेन के साथ साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और इंपीरियल ईगल के लिए शीतकालीन आश्रय प्रदान करने का प्रदान करता है। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये प्राकृतिक स्थल का चयन मानदंड क्या होता है, कि ये लुप्त प्राय जानवर या लुप्त प्राय कोई भी पशु पक्षी और लुप्त प्राय जो वनस्पति का संरक्षक हो उसको शामिल करता है। तो आगे हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये गैंडे के लिए फेमस है। ओ, पहले केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में 1985 1985 में शामिल किया गया था। अब आते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है, असम में स्थित है ये, और ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इस उद्यान में एक सींग का गैंडा, जो भारतीय गैंडा है, एक सींग का गैंडा उसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो अब आगे बात करते हैं हम सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, राज्य के दक्षिण भाग की गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, मतलब ये। और राष्ट्रीय उद्यान है, पांच संरक्षित क्षेत्र है, ये टाइगर रिजर्व है, और ये क्षेत्र मैनग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे अधिक बड़ा संरक्षित क्षेत्र यही है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी और रिवर डेल्टा नहीं है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी। अब हम बात कर रहे थे
जो प्राकृतिक जो मानदंड थे उसमें मेन बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि एक विशेष सौंदर्य या अपनी क्या बोलते हैं शब्द को, याद करने दो एक मिनट, अपने अपूर्ण सौंदर्य मतलब बहुत सुंदर रूप से जो अपने अलग छवि बनाती है ना प्राकृतिक रूप से, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है यूनेस्को की सूची में। और इसमें खाली सौंदर्य ही नहीं, दूसरी खास बात यह है कि इसमें 400 से ऊपर प्रजाति के फूल भी पाए जाते हैं, उगते हैं, जो इसकी अलग ही विशेषता बन जाती है। तो हम बात करते हैं कि ये सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे जंगलों से युक्त है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी विद्यमान है। इसके विपरीत फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के प्रकार देखने को मिलते हैं। और इसको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1988 में, और 2005 में ये जो इसी के अंदर आने वाली ये फूलों की घाटी है ना, इसको 2005 में इसको भी शामिल कर लिया गया था। मेन रूप से तो 1988 माना जाएगा। और आगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण हिमालय, और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2014 में। हिमालय प्रदेश राज्य में हिमालय के पहाड़ों के पश्चिमी भाग में स्थित ये पार्क अपनी उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और नदी के साथ स्थित जंगलों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कई नदियों सहित उनके जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ग्लेशियर से भी घिरा हुआ है। यह जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, और जिसमें 25 प्रकार के जंगल एवं कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें से कई संकटग्रस्त स्थिति में है। पश्चिम घाट ये हिमालय का ये एक भाग है, अरे नहीं पर्वत, ये भी एक पर्वत श्रेणी है जिसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है, और सह्याद्री पश्चिम घाट है। यह दक्कनी, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, भारत के पश्चिम तट पर स्थित यह पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविक विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। और पश्चिम घाट को यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया गया था, 2012 में। इसके अंतर्गत ये गुजरात, एक मिनट, ये कौन कौन से राज्य में आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और इसके बारे में मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, अभी ढंग से मेरे को भी हमने शायद आगे लिखा हो। हाँ ये लिखा हुआ, यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, जिसके ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं। पश्चिम घाट का विस्तार कहाँ कौन कौन से राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक है। ये और आगे हम बात करते हैं भारत का मिश्रित स्थल के बारे में। मिश्रित स्थल में क्या होता है, एक तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें अब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक तरह से प्राकृतिक रूप से भी हो गया, और अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें और क्या है। सिक्किम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट खांगचेड, अभी मेरे बोलने में नहीं आ रहा है, खांगचेंड
विडमैन है। पार्क पार्क में बर्फ से ढके पहाड़ियों, विभिन्न झीलें और ग्लेशियर शामिल है, जिसमें 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी शामिल है, जो माउंट कांगचेंड जोंगा के आधार पर स्थित है। आधार और सिक्किम राज्य में लगभग 25% हिस्से को कवर करती है। विभिन्न स्थानिक और संकटग्रस्त पौधे पशु प्रजातियों के लिए यह रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करता है और इसको 2016 में के रूप में शामिल किया गया था। विश्व विरासत स्थल की सूची, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखो, एक तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है और यूनेस्को में 2016 में इसको शामिल किया गया था। दूसरी बात, ये भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। थैंक यू। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैडम की तबीयत खराब होने के कारण वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, पर आगे लेंगे। आज या कल में उनकी खांसी सही हो जाने के बाद में वो क्लास लेंगे। तब तक आप करे वेट करिए। और मैंने तो अपनी तरफ से सही प्रयास किया कि आपको समझ में आए और इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और कुछ समझ में भी आएगा। और थोड़ी सी बोली की प्रॉब्लम है तो उसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा और मैं भी अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।